जो टॉप लीडरशिप है, हाई कमांड को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस के अंदर, जो G20 के 23 के नाम से बहुत आजकल कुख्यात और उनके सारे जगह चर्चा है, गद्दार 23 प्रसिद्ध है वो, तो यही कहेंगे कि वो लोग इस मुल्क को भी सत्ता के साथ मिलकर के खोखला कर रहे हैं और कांग्रेस को भी खत्म करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि सरकार को 6 महीने का टाइम और मिल जाएगा कांग्रेस देगी, तो क्या आपको ये तो मिली जुली बात है ना। देखो, संसद के अंदर 7 साल कानून किसने पास करवाए, राज्यसभा के अंदर बहुमत उनका पहले भी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का आज भी नहीं है अकेले, कानून किसने पास करवाए उनके, यही कांग्रेस ही और दूसरे दलों ने मिलकर के उनके कानून पास करवाए। और इसीलिए जब एक नेता की विदाई होती है तो प्रधानमंत्री रोता है, फिर वही नेता भगवा पगड़ी पहन करके जम्मू कश्मीर में पहुंच जाते हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, ये कांग्रेस को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, इन्हीं लोगों का काम था कि राहुल गांधी जैसे नेता को इन्होंने पप्पू बनवा दिया, ये इन्होंने बनवाया, किसी और ने नहीं बनवाया, ये कहाँ से चला है अगर उसकी खोज करेंगे तो यही हरियाणा से पप्पू का मामला चला, इन्होंने ही बनाया। और ये पूरे सिस्टम के अंदर आज इस तरीके से हावी हैं कि साधारण परिवार के अच्छे लोगों का, जो देश के प्रति जज्बा रखते हैं, उनका भविष्य अब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में है। जो मिली जुली साठ गांठ की जो राजनीति है, आज फिर हरियाणा देखेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से यह विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये सबको पता है कि कांग्रेस के पास कोई बहुमत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने की और जीवनदान उनको देगा, क्योंकि एक बार अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद 6 महीने तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। और जिस तरीके से लगातार किसान, गरीब, मजदूर का दबाव चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर था, वो किसी भी पार्टी के हों, तो एक बार जब ये हो जाएगा तो 6 महीने तक फिर कुछ नहीं होगा। तो लोग आज भी सत्ता के चक्कर में कुर्सियों से चिपके हुए हैं, चाहे वो सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों। हमने तो पहले ही कहा कि इतना बड़ा जन आंदोलन, हमने तो पहले ही छोड़ दिया था सारा ये मामला, इतना बड़ा जन आंदोलन है, उसकी भावना के अनुरूप तमाम उन लोगों को त्याग पत्र देना चाहिए। एक की जिम्मेदारी नहीं बनती, जो सबसे ज़्यादा वोटों से हरियाणा में जीता है, सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी बनती है सबसे ज़्यादा। और भी मैं देख रहा हूँ लोगों के वक्तव्य, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सरकार, विपक्ष, जिसके अंदर जमीर है, जिसके अंदर संवेदनशीलता है, जिसके अंदर किसान, गरीब, मजदूर के, इस प्रदेश के लोगों के मन में उनका पीड़ा है, आज उनको सबको एकजुट होकर के अपना त्याग पत्र देना चाहिए। मिली जुली बात है ना। देखो, संसद के अंदर 7 साल कानून किसने पास करवाए, राज्यसभा के अंदर बहुमत उनका पहले भी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का आज भी नहीं है अकेले, कानून किसने पास करवाए उनके, यही कांग्रेस ही और दूसरे दलों ने मिलकर के उनके कानून पास करवाए। और इसीलिए जब एक नेता की विदाई होती है तो प्रधानमंत्री रोता है, फिर वही नेता भगवा पगड़ी पहन करके जम्मू कश्मीर में पहुंच जाते हैं